अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी क्लास टीचर मिस सहर और आज का हमारा मज़मून है उर्दू। उर्दू में आज हम हरफ़े तहजीद दराई करेंगे और तारुफ़ देंगे दार के ख़ानदान और रे का ख़ानदान। तो हरफ़े तहजीद के पहले दराई करते हैं। सबसे पहला हमारा रुख आता है अलिफ़। अलिफ़ खाली, अलिफ़ से अनार। अलिफ़ खाली, अलिफ़ से अनार। और अलिफ़ की शुरू की आवाज़ आ आ अना। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा की शुरू की आवाज आ आ आ। अलिफ मद्दा से आ, अलिफ के ऊपर मद आ जाती है तो अलिफ मद्दा बन जाता है। और अलिफ मद्दा की शुरू की आवाज आ आ आ। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। और बे की शुरू की आवाज ब ब ब। बे से बल्ला, ब ब बल्ला। पी के नीचे तीन नुक्ते, पी के नीचे तीन नुक्ते। पी की शुरू की आवाज प प प प प प। पी से पतंग, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते। ते की शुरू की आवाज त त त। ते से तरबूज, ते से तरबूज। ते के बाद आता है टे, टे के ऊपर छोटी टोएं, टे के ऊपर छोटी टोएं। टे की शुरू की आवाज ट ट ट। टे से टमाटर, टे के बाद आता है से, से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते। से से समर, से समर। से की शुरू की आवाज स स स। से के बाद आता है जीम का खानदान। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम से जग, जीम की शुरू की आवाज ज ज ज। जीम के बाद आता है चे, चे के पेट में तीन नुक्ते, चे के पेट में तीन नुक्ते। चे की शुरू की आवाज च च च। चे से चाबी, चे से चाबी। चे के बाद आता है हे बेचारा खाली। हे से हलवा, हे की शुरू की आवाज ह ह ह। हे के बाद आता है खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता। खे से खर, खे की शुरू की आवाज ख ख ख। खे के बाद हमारा दाल का खानदान शुरू होता है जिसका आज हम आपको तारुफ भी देंगे और सिखाएंगे भी उसकी लिखाई। तो दाल से दरात, और दाल की शुरू की आवाज द द द। दाल से दरात, द द द। दाल के ऊपर छोटी दोएं, दाल के ऊपर छोटी दोएं। और दाल की शुरू की आवाज ड ड ड। दाल से ढोल, दाल से ढोल। ड ड ड। दाल के बाद आता है जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल की शुरू की आवाज ज ज ज। जाल की, जाल से क्या आता है, ज़खीरा। जाल से ज़खीरा, ज ज ज। जाल के बाद हमारा दाल का खानदान खत्म होता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे रे का खानदान। अब रे का खानदान हमारा रे से शुरू होता है और रे बेचारा खाली। तो रे से क्या आता है, रुमाल। और रे की शुरू की आवाज र र र, र रुमाल। रे से रुमाल। रे के बाद आता है रे, रे के ऊपर छोटी दोएं, रे के ऊपर छोटी दोएं। रे से पहाड़, क्योंकि रे पहाड़ इसलिए आता है क्योंकि रे से कोई चीज़ शुरू नहीं होती है। तो रे पहाड़, रे ऐसा हर्फ है जो कि आखिर में लगता है या बीच में लगाया जाता है। रे से पहाड़। रे के बाद आता है जे, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता। जे से जंजीर, जे की शुरू
ऊपर तीन नुक्ते, जी के ऊपर तीन नुक्ते। जी से आती है झालावारी। झालावारी क्या होती है? जो आसमान से बारिश होती है, बरसती है, उसे कहते हैं झालावारी। जी से झालावारी। जी के ऊपर तीन नुक्ते, जी के ऊपर तीन नुक्ते। झालावारी उसे भी कहते हैं जिसमें बर्फ भी गिरती है। ठीक है, ये तो हमारा उन्होंने दोहराई। दोहराई के बाद अब हम आते हैं लिखाई पर कि हम रे दाल का खानदान और रे का खानदान लिखेंगे कैसे। तो पहले हम लिखेंगे दाल। दाल से दरा, द द द, दाल की शुरू की आवाज द द द। दाल से दरा, दाल से दान, दाल से दरा। दाल के बाद आता है डाल। डाल के ऊपर होती है छोटी नोए। डाल के ऊपर होती है छोटी नोए डाल। डाल की शुरू की आवाज द द द। डाल से क्या आता है? डब्बा। डाल से क्या आता है? डब्बा। और डाल से ढोल भी आता है, डोल भी आता है, डोल जिसमें पानी भर के रखते हैं। डाल के बाद आता है जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल से जखीरा। जखीरा वो होता है जिसमें हम अनाज जखीरा करते हैं, उसको भर के रखते हैं और उसको सेव करते हैं। जाल से जखीरा। जाल के ऊपर एक नुक्ता। ये हमारा दाल का खानदान। अब हम आते हैं रे के खानदान पर। हमारा रे, रे बेचारा खाली होता है, तो रे, रे से रुमाल। रे से रुमाल। रे की शुरू की आवाज र र र। रुमाल। रे के बाद आता है डे। डे के ऊपर होती है छोटी नोए। डे के ऊपर छोटी नोए। डे से पहाड़। डे से क्या आता है? पहाड़। डे की शुरू की आवाज ड ड ड। पहाड़, जो कि यह आवाज या तो आखिर में सुनी जाती है या बीच में। डे के बाद आता है जे। जे के ऊपर एक नुक्ता। जे के ऊपर एक नुक्ता। जे से जंजीर। जे से जंजीर। ज ज ज। जे के बाद आता है जे। जे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? तीन। कितने नुक्ते होते हैं? तीन। और जे की शुरू की आवाज ज ज ज। जलवारी। जे से जलवारी। अच्छा, अब हम लिखना शुरू करेंगे। पहले हम दाल की लिखाई करेंगे। यहाँ एक नुक्ता दिया गया है। नुक्ते से शुरू करकर हम थोड़ा सा बोल घुमाकर और हल्का सा लाइन के नीचे लाएंगे। ये होती है दाल की लिखाई। ठीक है, हम अगेन इसको स्टार्ट करेंगे। दाल की घुमाई नुक्ते से शुरू करेंगे। गोल घुमाकर थोड़ा सा लाइन के नीचे आता है दाल। दाल खाली होता है। दाल के बाद क्या आता है? डाल। डाल के ऊपर होती है छोटी नोए। दाल के ऊपर क्या होती है? छोटी नोए। दाल के बाद आता है जाल। जाल को भी हम गोल घुमाते हुए थोड़ा सा लाइन के नीचे लाएंगे और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे। ये होता है जाल। जाल से जखीरा। जाल से जखीरा। अब हम आते हैं रे की लिखाई पर। रे की लिखाई भी नुक्ते से शुरू करेंगे, सीधी लाइन लाकर और लाइन से नीचे ले जाएंगे। ये थोड़ा सा राउंड में नहीं होता, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लाकर और फिर उसे लाइन के नीचे कर देंगे। रे बेचारा खाली होता है, तो रे के बाद क्या आता है? रे। रे के ऊपर क्या होती है? छोटी नोए। रे के ऊपर क्या होती है? छोटी नोए। रे के बाद आता है से। से के ऊपर होता है एक नुक्ता। जे के ऊपर एक नुक्ता। जे के बाद आता है जे। जे के ऊपर होती है तीन नुक्ते। जे पर तीन नुक्ते। तो ये हो गई हमारी लिखाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कॉपी में दिया हुआ काम बहुत ही सफाई के साथ किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में अपनी इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।